सो है गाइस, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू स्कार गन का स्किन के फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वो गन में हमें लेवल वाइज कौन कौन सा एंट्रीब्यूट देखने को मिलेगा और ये कैसा दिखेगा, तो गाइस ये सब बताऊंगा। उसी के साथ में हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी कलबैक इवेंट देखने को मिल गया, जो कि हमें 6th एनिवर्सरी स्पेशल में देखने को मिल जाएगा। ये वाला कलबैक इवेंट हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी पिंक डायमंड स्टोर भी रिटर्न में देखने को मिलेगा, जो कि हमें 6th एनिवर्सरी स्पेशल में ही देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये भी हमें बहुत जल्दी गेम में देखने को मिल जाएगा, शायद से हमें 10 से 15 अगस्त में देखने को मिल जाएगा हमारे गेम के अंदर। तो गाइस उसके साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी मिस्ट्री शॉप देखने को मिले, जिसमें से हमें मेल का बंडल देखने को मिले, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस ये वाला मेल का बंडल हमें इस मिस्ट्री शॉप में देखने को मिल जाएगा। इस मिस्ट्री शॉप में हमें फीमेल का बंडल भी देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस ये वाला फीमेल का बंडल हमें इस मिस्ट्री शॉप में देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके साथ में हमारे गेम के अंदर ईवो M1887 गन का स्किन हमें बहुत जल्दी रिटर्न में देखने को मिलेगा, जो कि हमें फेडेड व्हील करके इवेंट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसके साथ में हमारे गेम के अंदर बोइया बंडल भी रिटर्न में देखने को मिल जाए, जो कि हमें टोकन टावर करके इवेंट में देखने को मिले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस इसके साथ में हमारे गेम के अंदर ब्लैक बनी बंडल भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में हमें और 3 और बनी बंडल देखने को मिलेगा, जो कि हमें टोकन टावर करके इवेंट में देखने को मिलेगा। तो गाइस ये वाला ब्लैक बनी बंडल आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। उसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू फेडेड व्हील करके इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें से हमें ये वाला फीमेल का बंडल हमें देखने को मिलेगा हमारे गेम के अंदर। तो गाइस ये वाला फीमेल का बंडल हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में हमारे गेम के अंदर ग्रीन एंजेलिक पेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि हमें मेल और फीमेल का देखने को मिल जाए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस ये वाला एंजेलिक पेंट हमें टोकन टावर करके इवेंट में देखने को मिलेगा, तो गाइस ये भी हमें बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में हमारे गेम के अंदर ब्लू क्रिमिनल बंडल भी रिटर्न में देखने को मिले, जो कि हमें टोकन टावर करके इवेंट में देखने को मिलेगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू ईवो स्कार गन का स्किन के रिव्यू के बारे में। तो गाइस लेवल 1 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिले, जिसका लुक अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस उसी के साथ में लेवल 2 करने के बाद हमें किल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जो कि वो भी अभी तक नहीं आया है। तो गाइस इसी के साथ में लेवल 3 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस लेवल 3 करने के बाद हमें कुछ इस तरह के लुक देखने को मिल गया ईवो स्कार का, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइज उसी के साथ में लेवल 4 करने के बाद हमें हीट इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइज इस तरह का हीट इफेक्ट हमें लेवल 4 करने के बाद देखने को मिल जाएगा। तो गाइज लेवल 5 करने के बाद हमें किल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरह के किल इफेक्ट देखने को मिलेगा इस ईवो स्कार का। तो गाइज इसी लेवल 5 में हमें फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइज ये आपको फायरिंग इफेक्ट कैसा लगा कमेंट करके बता देना। उसी के साथ में लेवल 6 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलेगा, तो गाइस इसी में हमें एक्स्ट्रा डैमेज भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ में लेवल 7 करने के बाद हमें इसी बोगन का फाइनल लुक होने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, गाइस लेवल 7 करने के बाद हमें ईवो स्कार का गन का स्किन हमें कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो गाइस बात करते हैं इसका इमोट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, गाइस अभी तक इसका इमोट रिलीज करके नहीं आया है। तो गाइस बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर इसका इमोट भी रिलीज करके आ जाएगा। तो गाइस इतना ही था इस वीवो गन का रिव्यू के बारे में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।